एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए पेरोल का पार्ट टू वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो जो पेरोल पार्ट वन की वीडियो मैंने बनाई हुई है उसको आप जरूर देख लें, बिकॉज उसमें हमने उस वीडियो में पेरोल के बारे में कम्प्लीट बताया हुआ है कि पेरोल है क्या, पेरोल को इनेबल हम कैसे करते हैं और पेरोल से रिलेटेड जो मास्टर्स क्रिएट किए जाते हैं उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमने कंप्लीट नॉलेज उस वीडियो में दिया है। तो इस आज की वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो आप जरूर देख लें, बिकॉज उसे यदि आप देख लेते हैं तो आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी, यहाँ तक कि आपको पेरोल का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा अगर दोनों वीडियो आप पेरोल से रिलेटेड देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो को देखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो पेरोल का टॉपिक है मेरा पेरोल वाउचर्स इन टैली, पेरोल में हम वाउचर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, पेरोल से रिलेटेड जो कंप्लीट रिपोर्ट है उसको हम कैसे चेक करते हैं, पे स्लिप क्या होता है, अटेंडेंस शीट कैसे हम चेक करते हैं, तथा किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी का पे स्लिप हम कैसे प्रिंट करते हैं, वो कंप्लीट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं पेरोल इन टैली का पार्ट टू वीडियो। आप देख पा रहे हैं हम गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू पर पहुंच चुके हैं और आपके आपके सामने वही कंपनी ओपन है पेरोल मैनेजमेंट, जिसमें मैंने पिछली वीडियो पर सारे पेरोल मास्टर्स क्रिएट कर रखे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आज हम पेरोल वाउचर हम कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो उसका स्टेटमेंट होगा उसको हम करके दिखाएंगे आप लोगों को, तथा पे स्लिप वगैरह कैसे प्रिंट होती है वो सारा नॉलेज आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली समझने के लिए आप पिछली वीडियो मेरी जरूर देख लें, बिकॉज उसे देख लेते हैं फिर पेरोल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो चलिए चलते हैं पेरोल वाउचर पर। हम पेरोल वाउचर पर हम आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं अटेंडेंस वाउचर ओपन है। अटेंडेंस वाउचर और पेरोल वाउचर दो टाइप के वाउचर होते हैं, अगर बटन बार पर देखें तो कोई भी यहाँ पर कैरेक्टर दिए गए होते हैं, उसके नीचे अगर सिंगल अंडरलाइन है तो उसका मतलब होता है अल्ट, और अगर डबल अंडरलाइन है तो उसका मतलब होता है कंट्रोल, तो उसके साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप देखें कंट्रोल प्लस F4 है पेरोल वाउचर का शॉर्टकट और कंट्रोल प्लस F5 है आपका अटेंडेंस वाउचर का शॉर्टकट। तो किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देने से पहले हमें उसका अटेंडेंस ही मेंटेन करना होता है, क्योंकि मंथ में वो कितना एब्सेंट है, कितना उसने ओवर टाइम किया हुआ है, वो कंप्लीट डिटेल डालने के लिए हम यहाँ से चलते हैं अटेंडेंस वाउचर पे कंट्रोल F5 करके, और यहाँ से इसमें हम ऑटोफिल करते हैं। आप देखें ऑटोफिल का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस ए, तो यहाँ पर अल्ट प्लस ए प्रेस करते हैं और हम ऑटोफिल करते हैं। आपके सामने अटेंडेंस ऑटोफिल का एक डायलॉग आ गया जिसमें वाउचर डेट आपको 31 जनवरी शो कर रहा है, हम एंटर करते हैं 31 जनवरी को, मतलब हम जनवरी मंथ की कंप्लीट सैलरी बना रहे हैं। तो यहाँ मैनेजर चुनेंगे और जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसमें हमने मैनेजर बना रखा है। अगर आपके पास अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं और एक साथ उनका अटेंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ऑल आइटम करना होगा, बट हमने यहाँ मैनेजर चुना हुआ और एम्प्लॉय ग्रुप में हम ऑल आइटम चुनेंगे, बिकॉज जितने भी टाइप के मैनेजर हैं जैसे HR है, टेक्निकल है, तो वो सारे मैनेजर्स एक साथ हम डिडक्ट करा लेंगे, उनका पूरा अटेंडेंस हम यहाँ से बना लेंगे। तो यहाँ हम सबसे फर्स्ट एब्सेंट चुनते हैं और यहाँ हम कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं, चूँकि एक साथ हमें सबका करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी एबसेंटी बराबर होगी। तो यहाँ हम एंटर करते हैं और आ जाते हैं। यहाँ आप देखें, आप देख पा रहे हैं अटेंडेंस वाउचर में हम आ गए और यहाँ पर आपका एम्प्लॉई नेम आ गया, एम्प्लॉई नंबर आ गया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में एब्सेंट है और यहाँ पर कोई डे इस मंथ के लिए नहीं है तो हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। मान लीजिए 2 दिन के लिए एब्सेंट है महेश और 3 डेज का एब्सेंटी आपका रजत का है, तो इसको हम करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम अटेंडेंस वाउचर में हम नेक्स्ट हेड का हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने मैनेजर कर दिया, एंटर किया, यहाँ हम प्रेजेंट बना लेते हैं। प्रेजेंट एक इंपॉर्टेंट मास्टर है, बिकॉज एब्सेंट मैंने बना लिया है उस जगह के लिए जहां एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है, छुट्टी होती है उसकी जो, और प्रेजेंट में मैंने बना लिया, इसमें हमने वो सारी चीज़ें ऐड कर लिया, जैसे किसी छुट्टी पर भी पेमेंट बनता है तो मैंने डायरेक्टली उसको प्रेजेंट बना लिया। आपके कंपनी में या आपके जो भी जितना भी टाइप का सिस्टम होगा उस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्रेजेंट दे देते हैं, अगर महेश 2 डेज एब्सेंट थे तो इनका 28 डेज इनका प्रेजेंट ही बनेगा। इसके बाद हम ये 3 डेज एब्सेंट थे तो इनका 27 डेज, बिकॉज कैलेंडर पीरियड के हिसाब से 30 डेज का मंथ हम मानते हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको डिडक्ट कराया है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम इसी तरीके से हम ओवर टाइम का भी अटेंडेंस प्रोडक्शन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम जाते हैं, आल कर लेते हैं, यहाँ पर ओवर टाइम कर देंगे। ओवर टाइम में हम मान लेते हैं कि महेश ने 7 आवर्स किया ओवर टाइम और रजत ने 5 आवर्स ओवर टाइम किया, हमने यहाँ पर दे दिया और एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब अटेंडेंस बन चुका है, अब हम चलते हैं पेरोल कर लेते हैं।
पेरोल में देखिए एक चीज़ आप ध्यान देंगे, पेरोल में हम यहाँ से ऑटोफिल जैसे ही करेंगे सारा सारा कंप्लीट सैलरी ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर के आ जाएगा, बिकॉज सारे हेड्स मैं क्रिएट कर चुका हूँ उसमें। मैंने सैलरी डिटेल में जा करके सारे पे हेड्स वगैरह को सेट कर दिया है, बेसिक पे वगैरह हमने दे दिया है, ओवर टाइम का हमने पेमेंट दे दिया है कितना होता है पर आवर, तो ये सब हम पहले दे चुके हैं, इसलिए यहाँ ऑटोमेटिक सब डिडक्ट कर जाएगा पूरी सैलरी। इसके लिए पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, यदि आप उसे देखे रहेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और या फिर आप प्लेलिस्ट पे जा करके उसको आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऑटोफिल के लिए हम यहाँ भी अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे और यहाँ हम सैलरी हमें देना है तो हम सैलरी को चुनेंगे, जनवरी की पूरी सैलरी है तो 1 से लेकर के 31 तक का है पूरा 1 मंथ। यहाँ हम चलते हैं, यहाँ पर हम मैनेजर चुनते हैं, ऑल आइटम हम करते हैं, सारे जितने भी टाइप के मैनेजर्स हैं हम सबका इकट्ठा ही सैलरी निकालना चाहते हैं, तो ऑल आइटम कर लिया, एम्प्लॉय नेम के साथ उसका सैलरी आएगा, हम एम्प्लॉय नंबर और नेम दोनों से कर सकते हैं। यहाँ हम कैश देंगे, अगर हम कैश पेमेंट करना चाहते हैं या बैंक द्वारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ बैंक से हैं तो बैंक कर देंगे, हम कैश कर दे रहे हैं, एंटर करते हैं। आप देख रहे हैं डायरेक्टली ऑटोमेटिक कंप्लीटली फिल होकर के आ गया। आप देखें मैनेजर या आपका जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसमें मैनेजर में महेश कुमार जो टेक्निकल मैनेजर हैं, इनका बेसिक पे में 9,032 रुपये आया, बिकॉज ये 2 दिन एबसेंट थे तो इनका बेसिक पे जो था 10,000, उस हिसाब से इनका 2 दिन की एबसेंटी का कट गया है और इसी 9,032 पर इनका डेयरनेस बना हुआ है, एचआरए बना हुआ है, टीए बना हुआ है, ओवर टाइम 300 रुपये पर घंटे के हिसाब से था, तो आप समझें कि 300 के हिसाब से था वो, तो इनका बना 7 तारीख 21 2100 रुपये बना और पीएफ इस पर कटा हुआ है 3752 रुपये और इनका प्रोफेशनल टैक्स जो इन पर डिडक्ट हुआ है 5 रुपये, जिस हिसाब से इसका परसेंटेज था उस हिसाब से कटता है। इस तरह से आप देखें रजत का बेसिक पे था 15,000 तो इसमें 13,065 रुपये आ गया है, इट मीन्स ये 3 डेज एबसेंट थे, उस हिसाब से एबसेंटी को काट करके, चूंकि एबसेंटी पर कोई भी पेमेंट नहीं मिलता था इसलिए उसको कट करके इस तरह से डेयरनेस एचआरए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हो गई, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है और सारा कुछ बहुत ही एक्यूरेट करके देता है, ये पेरोल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये पीरियड है 1 जनवरी से 31 जनवरी के अंडर का, 1 मंथ की सैलरी इनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बैक करके रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले में हम आ जाएंगे और यहाँ से हम पेरोल रिपोर्ट चेक करेंगे, पेरोल रिपोर्ट पर आ जाएंगे, आप देख पा रहे हैं पेरोल स्टेटमेंट है, पेरोल स्टेटमेंट उसके नीचे आपका अटेंडेंस रसीट है, अटेंडेंस शीट को हम चेक करना चाहें चेक कर लें और पेमेंट और हम स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पेरोल हम चेक कर लेते हैं, एंटर करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं पे स्लिप है, पे सीट है, पेरोल लिस्ट, मतलब डीपली हम एक एक पॉइंट चेक कर सकते हैं पेरोल में, एक एक ट्रांसपेरेंटली सारे स्टेटमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पे स्लिप जो विशेष यूजफुल है तो पे स्लिप हम यहाँ से लेते हैं, आप देख रहे हैं पे स्लिप में सिंगल पे स्लिप एंड मल्टी पे स्लिप, मतलब एक साथ कई लोगों की पे स्लिप निकालना है तो मल्टी पे स्लिप करना होगा और एक एक करके निकालना है तो सिंगल पे स्लिप करना, तो हम सिंगल ही कर लेते हैं, एंटर करते हैं। हम रजत सिंह का जो एचआर मैनेजर है इनका पे स्लिप प्रिंट करते हैं, आप देखें पे स्लिप फॉर जनवरी मंथ का जो पे स्लिप इनका बना हुआ है, जो डिटेल्स हमने फिलअप किया है उतनी, मतलब इनके प्रोफाइल में जितनी भी डिटेल्स फिल होंगी वो आपके इसमें आ जाएंगी और कुछ डिटेल्स हमने नहीं फिल किया था, मैंने बोला था आप इसको फिल कर लेंगे जब आप कंपनी में होंगे, आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो उसको आप कर लेंगे, यदि फिल किया गया होता तो यहाँ भी डिटेल देखता। आप देखें अटेंडेंस डिटेल में सामने ही आपको अटेंडेंस दिख रहा है कि 3 दिन एबसेंट है, 5 घंटे इनका ओवर टाइम और कुल 27 दिन ये प्रेजेंट है, तो उसी 27 दिन पर इनकी सैलरी बनी। आप ग्रॉस सैलरी देखेंगे तो ये बनना था, अगर ये फुल डे प्रेजेंट होते तो इनका ग्रॉस सैलरी 46,437 रुपये 50 पैसे बनना था, बट ये एबसेंटी होने के नाते इनकी सैलरी बनी 40,850 रुपये। और डिडक्शंस में आप देख लें यहाँ पर आपका जो पीएफ है 4902 रुपये, ये पीएफ ग्रॉस में, अगर इनका जो कंप्लीट पीएफ कटना था अगर पूरी बेसिक सैलरी होती तो उस पर 5572 रुपये 50 पैसे कटना था, बट ये डिडक्ट किया है 4902 रुपये, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये डिडक्ट करता है, प्रोफेशनल टैक्स 5 रुपये कटा हुआ है। तो इस तरह से इनका जो कटने के बाद 4,4907 रुपये कटने के बाद इनको जो नेट अमाउंट मिलेगा, मिलना था इनको कटना था 7,894, क्यों, यदि ये किसी भी दिन एबसेंटी ना किए होते, और तो इनको मिलता 38,547 रुपये, 7,000 डिडक्ट करके इस 46,437 में से, लेकिन इनको इस 40,850 में से 4,907 रुपये 4 पैसे कटने के बाद 35,943 रुपये 27 पैसे इनके पास इन हैंड आएगा इनको, ठीक।
तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। इसे यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं पे स्लिप को, तो अल्ट के साथ पी करेंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और आपके सामने प्रीव्यू शो हो जाएगा। अल्ट के साथ जेड करेंगे तो जूम आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम पे स्लिप को भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें इनका कंप्लीट सैलरी डिटेल आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम पे स्लिप को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं, महेश का भी पे स्लिप हम चेक कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं महेश में भी कुल सैलरी इनकी 27,475 बननी थी, जो ग्रॉस सैलरी था, बट इनका जो इनकी प्रेजेंटी के हिसाब से देखते हुए 27,019 रुपये 25 पैसे बना हुआ है। इसमें PF कटा हुआ है इतना, ये प्रोफेशनल टैक्स कटा हुआ है, तो इस हिसाब से इनको 21,261 रुपये प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका पे स्लिप। अब हम बैक करके आते हैं, हम आपको मल्टीपल भी करके दिखा देते हैं। एक साथ हम सबकी पे स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो मैनेजर सेलेक्ट कर लेंगे और आल कर लेंगे, तो सारा पे स्लिप यहाँ दोनों लोगों का इकट्ठे ही आ जाएगा इस तरह से। तो हमें इसे करना नहीं, इस तरह हमें हम बैक करके एक करेंगे तो कंप्लीट डिटेल में आएगा। पे शीट हम चेक करेंगे तो पे शीट हम यहाँ मैनेजर करेंगे, क्योंकि मैनेजर से हम सबका इकट्ठा देखना चाहते हैं तो इकट्ठा कर सकते हैं। आल कर लेंगे तो पूरी पे शीट आ जाएगी, आपको पता चलेगा बेसिक पे कितना है, DA क्या है, HRA क्या है, ओवर टाइम क्या है, मतलब एक्यूरेट सारा डीपली डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप जानकारी ले सकते हैं, बैक करके आएंगे। इसी तरीके से एक एक रिपोर्ट आप प्रेजेंट कर सकते हैं, पेरोल स्टेटमेंट, एक एक बेसिक पे कितना बना, DA कितना बना, ये हमें एक एक करके चेक कर, तो इस तरह से आप पूरा चेक कर लेंगे। हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पर अटेंडेंस शीट हम चेक करना चाहते हैं, तो यहीं से आपको पता चलेगा कि कितना ओवर टाइम है इनका। चूँकि देखिए HR और रजत एक ही चीज़ है, वही चीज़ बार बार लिखा हुआ है, तो डिटेल्ड को हम यहाँ से कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो डिटेल्ड में नहीं दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, है ना। अगर हम डिटेल करना चाहते हैं तभी ये डिटेल में प्रोवाइड होगा। तो ये आपके सामने एम्प्लॉय फिल्टर करके भी हम देख सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं अटेंडेंस शीट को। तो आई होप आपको कम्प्लीटली पेरोल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, बिकॉज इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती हैं और मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो के साथ, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।